आईपीएल 2024 सीजन में आरसीबी अभी भी जिंदा है। इस सीजन विराट कोहली के जितने भी मसले थे, जैसे विराट कोहली और गौतम गंभीर का हो, वो सॉर्ट हो गया है। नवीन उल हक से जो कहा सुन हुई थी वो वर्ल्ड कप के दौरान, वो भी सॉर्ट हो गई है। अब फिलहाल बेंगलुरु की लीग स्टेज के दौरान जो शानदार खेल जारी है, हो सकता है कि वो प्लेऑफ्स में भी पहुंच जाए। इसी बीच एक और शानदार नज़ारा देखने को मिला है आईपीएल 2024 में। रविवार को दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एक मैच हुआ, जिसके बाद एक अलग नज़ारा देखने को मिला। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली और विराट कोहली एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आए। विराट कोहली की कप्तानी को लेकर जो विवाद हुआ था, उसके बाद से ये शायद पहली बार है जब विराट कोहली और सौरभ गांगुली ने इस तरह से एक दूसरे से मुलाकात करी हो। दरअसल जैसे ही आरसीबी ने दिल्ली के खिलाफ 47 रन से जीत दर्ज की, उसके बाद विराट कोहली काफी खुश नजर आ रहे थे। कोहली ने मैच जीतने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के साथ हाथ मिलाया। इसी लाइन में जब कोहली के सामने सौरभ गांगुली आए तो उन्होंने उनसे भी हैंडशेक कर लिया और पिछले सीजन में होने वाले विवादों को दोनों खिलाड़ियों ने वहीं दी एंड कर दिया। पिछले 2023 आईपीएल सीजन की बात करें तो आरसीबी और दिल्ली के खिलाफ पहले मैच में जहां विराट कोहली डगआउट में बैठे रहे और दूसरे मैच में गांगुली और कोहली दोनों ने हैंडशेक नहीं किया। इसके बाद हैंडशेक विवाद काफी चर्चा में आ गया और माना जा रहा था कि कोहली और गांगुली के बीच काफी अनबन है, लेकिन आईपीएल 2024 सीजन में अब शायद सब कुछ भुलाकर गांगुली और कोहली ने आगे बढ़ने की एक नई शुरुआत करी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।